हिमलैंड सीजन 4 पार्ट 4 जो कि फाइनली आ चुका है भाई। फाइनली नहीं बोल सकते कि स्मार्टी पाई ने बहुत ही जल्दी डाला है। और भाई उस फुल वीडियो का एक ही मतलब था कि वो विजर्ड जो है उसने बीट्रे कर लिया है स्मार्टी पाई से। एंड इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि विजर्ड ने ऐसा क्यों किया और वो विजर्ड ही है जो ये कर रहा है कि कोई और है एंड उसका कोई और का हाथ है पीछे। एंड अब मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हीरोब्रेन जो है ड्रीम बॉय की तरफ क्यों है जबकि वो एक एंटिटी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, जो मैं आप लोगों को सबसे पहले विजर्ड वाली थ्योरी बता देता हूँ। तो जो विजर्ड है वो स्मार्टी पाई के साथ ऐसा नहीं करेगा और वो कर भी सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे कंफर्मेशन नहीं है, फुल वीडियो में कंफर्मेशन नहीं है, बस मैं आप लोग को ऐसे मतलब गेस करके बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है मेरी थ्योरी के हिसाब से। जो विजर्ड है, विजर्ड जो है स्मार्टी पाई के साथ ऐसा तो नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। एंड आप लोग जानते होंगे कि लास्ट बार सीज़न 3 के लास्ट एपिसोड में हमें हुला लाला दिखा था जब वो इलाइट्रा से जा रहा था। तब उसके बाद से हुला लाला कभी नहीं दिखा और फिर होगा लाला और एंटिटी जो है ट्रैप हो गई थी। तो जो हुला लाला था वो वहाँ से भाग गया था एजियो और ड्रीमबॉय से लड़ाई करने के बाद। उसके बाद से उसका कोई पता वता चला नहीं। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उसके बाद जो हुला लाला है, मेरे को लग रहा है कि हुला लाला ने किसी तरह करके जो विजर्ड को है आकर्षण मतलब विजर्ड पे मायावी जाल बिछा दिया, मतलब विजर्ड को अब वो मतलब हुला लाला, आप लोग समझ गए भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उसको आकर्षण कर लिया है और हुला लाला जो है विजर्ड को कंट्रोल कर रहा है। एंड आप लोग को मैं एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। आप लोग इस वीडियो क्लिप में देखो कि जो विजर्ड है, विजर्ड की स्पीड आप लोग जानते हो, विजर्ड ना ही लॉन्ग जंप लगा सकता है ना उसकी स्पीड तेज है, ये सिर्फ एंटिटीज कर सकती है। बट यहाँ पे आप लोग विजर्ड को देख सकते हो, क्राउच होके भी इतनी तेज स्पीड में जा रहा है। तो भाई ये हो सकता है फर्स्ट थ्योरी, जो विजर्ड से मतलब विजर्ड ही हुला लाला है, ऐसा हो सकता है। एंड अब बढ़ते हैं सेकेंड थ्योरी की तरफ। तो गाइस जो सेकेंड थ्योरी मेरी तरफ से आ रही है वो है कि जो ड्रीम बॉय वो हीरोब्रेन है जो ड्रीम बॉय की तरफ हो गया है वो क्यों, मतलब आप लोग जानते होंगे एंटिटीज़ जो होती है वो किसी की तरफ नहीं होती है, मगर जैसे ही मतलब कुछ ड्रीम बॉय ने कुछ किया भी नहीं, वो तो उससे डर के भाग रहा था तब भी हीरोब्रेन उसे बचा रहा था। तो मेरे हिसाब से जो है विजर्ड जो है उसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हीरोब्रेन को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता विजर्ड के अलावा, क्योंकि हीरोब्रेन से ज़्यादा पावरफुल बस एक विजर्ड ही है हिमलैंड्स में। एंड हीरोब्रेन ऐसे तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, एंड विजर्ड ही मेरे को लग रहा है हीरोब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता जैसा कि मैंने बताया। एंड और ये तो मुझे नहीं पता कि विजर्ड क्यों कर रहा है, क्योंकि हाँ हुला लाला हो सकता है, हुला लाला अगर उस पर कब्जा किया तो हुला लाला कर सकता है, वरना असली विजर्ड आप लोग मतलब ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। असली विजर्ड बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा आदमी है, एंड इसीलिए उसने बीट्रे किया स्मार्टी पाई से। एंड भाई सारे भाइयों के बीच में कॉन्फ्लिक्शन बना दी, मतलब एक दरार ले आई। एंड अब क्या ही तो बोल सकते हैं भाई, अब ये सब तभी पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, मतलब मेरी बात कंफर्म है कि नहीं, मेरी थ्योरी तभी पता चलेगा। हम लोग को हिमलैंड्स के आने वाले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो गाइस कैसी लगी आप लोग को वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।